बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्वींस कुकबुक एंड DIY। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए चिकन स्टॉक, जो कि मैंने लिया है 1/2 लीटर। इसके साथ ही मैंने ली है बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, जो कि तकरीबन 400 ग्राम्स है। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते। इसके अलावा मैंने एक कॉर्न ली है, ये कॉर्न बॉयल हुई भी ग्राइंड हुई भी है। और इसके अलावा मैंने एक टिंड कॉर्न भी ली है, 2 अंडे जिनको हम फेंट लेंगे, चिकन क्यूब, दिस इज ऑप्शनल, आप चाहें तो यूज करें चाहें तो यूज ना कीजिए, मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती, लेकिन अगर आप घर में रेस्टोरेंट जैसा जायका चाहते हैं तो फिर आप यूज जरूर कीजिए। इसके अलावा चिली सॉस, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, विनेगर और कॉर्नफ्लावर। विनेगर के बारे में मैं बताती चलूं कि कोशिश किया कीजिए कि ये नेचुरल विनेगर आप यूज करें, सिंथेटिक विनेगर इज नॉट हेल्दी एट ऑल। नेचुरल विनेगर जो है इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, वो कि इसका टेस्ट आपको शुरू में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बट कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल विनेगर यूज करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। जी, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर चिकन क्यूब डालने लगी हूं। ये मैंने एक क्यूब इसमें ऐड कर दी चिकन स्टॉक में, साथ ही मैं इसमें बॉइल्ड चिकन डाल रही हूं। इसके साथ इसमें जाएगी किसी भी कॉर्न, बॉइल हुई भी किसी भी फ्रेश कॉर्न जिसको कि मैंने पहले से पीस के रखा हुआ था, और इसे मैंने बगैर नमक डाले बॉइल किया है। जो प्लेन यानी फ्रेश कॉर्न मिलती है उसको बॉइल करके और उसको मैंने ये ग्राइंड कर लिया है, और उसके मैं पेस्ट उसका मैं ये क्यूब्स बना के इस तरह छोटी छोटी और डब्बों में फ्रीज कर लेती हूँ। और जब भी कभी आपने सूप बनाना हो और आपके पास अगर टिंड कॉर्न नहीं है तो आप ये फ्रेश कॉर्न यूज करें। जी, अब मेरी सारी चीजें इसमें डिसॉल्व हो गई हैं। अब मैं इसमें अपनी स्वीट कॉर्न ऐड करने लगी हूँ, जो कि तकरीबन 3-4 टेबलस्पून है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून सॉल्ट पहले ऐड करूंगी, क्योंकि मेरे चिकन स्टॉक जो है उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट शामिल था, जब चिकन बॉयल की तो चिकन में भी नमक थोड़ा सा था, लिहाजा पहले इनिशियली मैं सिर्फ 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, और बाद में मैं टेस्ट चेक करके फिर और देखेंगे कि ज़रूरत है या नहीं। जी, तो अब इसमें एक बॉयल आ गया है। अब मैं कॉर्नफ्लावर मैंने 5 टेबलस्पून जो है उसको पानी में मिला के रखा हुआ था, वो मैं अब इसमें ऐड करने लगी हूँ, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, और इसको कॉन्स्टेंटली हम साथ साथ स्टर करते जाएंगे। अच्छा, अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसमें एक बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा हम इसी देर में अपने ये अंडे हमने 2 अदद तोड़ लिए हैं और इनको हम फेंट लेते हैं, ऐड करेंगे। अच्छा, मुझे ये अब थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छा, अब ये देखिए कॉर्नफ्लावर में जो है बॉयल आ चुका है और ये थिक भी हो चुका है। सो अब मैं इसमें बीटन एग्स जो हैं वो ग्रेजुअली ऐड कर रही हूँ और साथ के साथ मैं इसको स्टर करती जाऊंगी। ये देखिए मैं एग ऐड करती जा रही हूँ और साथ साथ मैं इसको स्टर करती जा रही हूँ।
देखिए बहुत ही जबरदस्त हमारा सूप रेडी हो चुका है और अब हम इसमें इसको सर्व करेंगे। जी तो बहुत ही टेस्टी हमारा सूप चिकन कॉर्न सूप रेडी है और अब मैं इसमें सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस ऐड करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली और फिर आपको मैं बताती हूँ कि ये रहा है। और ये देखिए इसमें इस रेसिपी से आपके जो टू बिग सर्विंग बोल्स रेडी होंगे। अब मैंने डाला चिली सॉस, सिरका या विनेगर एंड हियर गोज द सोया सॉस। इन सब चीजों के सॉल्ट एंड पेपर, ये सब चीजें आपके अपने टेस्ट पे थोड़ा डिपेंड करती हैं। किसी को बहुत खट्टा खाना पसंद होता है, कोई कम सिरका खाता है, बट बहुत ही मज़ेदार सूप है ये। आप जरूर बनाइए और एंजॉय कीजिए, सर्दियों का मौसम है। चिकन स्टॉक की रेसिपी भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, उसमें आप चिकन स्टॉक कैसे बनता है वो भी आप सीख लीजिएगा। Yes, so I have tasted it और ये बहुत ही मजे का बना है, आप भी इसे जरूर बनाइए। सर्दियों में गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप, इसको एंजॉय कीजिए। मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स देना मत भूलिए क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे अंदाजा होता है कि मेरी रेसिपीज आपको कितनी पसंद आ रही हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।